हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचर एरा। आज मैं अपने इस यूट्यूब वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ प्रेगनेंसी में बार बार पेशाब क्यों आता है और कैसे इसे कर सकते हैं कंट्रोल। तो आज मैं अपने वीडियो में यही बताने वाली हूँ, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बार बार पेशाब आना गर्भ अवस्था का सबसे शुरुआती और आम लक्षण है। गर्भ अवस्था की पहली तिमाही के शुरुआती कुछ हफ्तों में यह प्रॉब्लम देखी जाती है और अधिकतर महिलाओं में गर्भ अवस्था के आखिरी हफ्ते तक ये परेशानी रहती है। अक्सर प्रेगनेंसी में हार्मोन्स की जैसे प्रेग्नेंट महिलाओं को बार बार पेशाब आने की दिक्कत होती है। इस दौरान पूरे शरीर में रक्त का प्रभाव ज्यादा और अधिक तेजी से होता है। हार्मोन्स बदलाव किडनी में तेजी से रक्त संचार करते हैं, जिससे मूत्राशय जल्दी भर जाता है और प्रेग्नेंट महिलाओं को बार बार पेशाब आने की दिक्कत होती है। गर्भ अवस्था के 9वें महीने के दौरान पहले की तुलना में 50% अधिक रक्त संचार होता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि किडनी को ज्यादा फ्लूइड प्रोसेस करना पड़ता है, जो सीधा मूत्राशय में जा रहा है, और साथ ही साथ प्रेगनेंसी में गर्भाशय बढ़ने से मूत्राशय पर दबाव पड़ता है, जिससे पेशाब रोकने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इस कारण से प्रेगनेंसी में जल्दी जल्दी पेशाब लगने की परेशानी होती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर प्रेग्नेंट महिलाओं को एक ही समय के गैप में पेशाब आए। मतलब है कि जरूरी नहीं कि हर महिला को हर आधे या एक घंटे में पेशाब आए। किसी को आधे घंटे में तो किसी को एक घंटे के गैप में पेशाब आ सकता है। कुछ महिलाओं को तो पूरे 9 महीने बार बार पेशाब आने की शिकायत रहती है, और तो और कुछ को तो ये परेशानी होती भी नहीं है। वहीं गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में यह समस्या कम हो जाती है और गर्भाशय बढ़ने के कारण प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में यह दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है। गर्भ अवस्था में मूत्र मार्ग में संक्रमण होना आम बात है और इसकी वजह से प्रेग्नेंट महिलाओं को बार बार पेशाब आने की दिक्कत हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कब खत्म होती है यह दिक्कत। प्रेगनेंसी में बार बार पेशाब आना एक सामान्य लक्षण है। यहां तक कि डिलीवरी के बाद भी कुछ महिलाओं को यह दिक्कत होती है। डिलीवरी के बाद पहले कुछ दिनों तक यह परेशानी कम नहीं होती है। डिलीवरी के बाद शरीर में जमा अतिरिक्त फ्लूइड के निकलने के बाद ही महिलाओं को इस परेशानी से राहत मिल सकती है। दोस्तों, आपको यहाँ तक की मेरी जानकारी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जानते हैं बार बार पेशाब आने का इलाज क्या है। यह प्रेगनेंसी का एक सामान्य लक्षण है, जिसे किसी इलाज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर समस्या के साथ कुछ लक्षण दिख रहे हो तो इलाज करवाना जरूरी है। इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख सकते हैं। बार बार पेशाब आने से रोकने के लिए आप कैफीन वाले ड्रिंक्स को कम कर सकते हैं। कैफीन वाले ड्रिंक्स को आप कम मात्रा में पिए तो आपके लिए अच्छा होगा। मूत्राशय की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए पेल्विक एक्सरसाइज जरूर करें। यह आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक हो सकता है इस समय के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपको और भी ऐसी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं।